बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको ठीक रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा हमें अपने बच्चों की सलामती दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमें बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे और अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अर्पण वाला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसकी ना करें। तो अब जैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न आया हुआ, बहुत ज़्यादा आई है स्ट्रॉबेरी और ये चंद दिनों की मेहमान होती है। तो चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो फल या सब्जियाँ जो चंद दिनों के मेहमान होते हैं। तो जैसे कचनार वगैरह होगी, ये स्ट्रॉबेरी होगी या लीची वगैरह आएगी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसका मिल्क शेक बना के तो आपके साथ शेयर करूँ। आप जब इसको बनाते हैं तो उसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, वैसे सिंपल भी बना सकते हैं। इसमें कोई नहीं ज़्यादा टेस्ट करने के लिए क्रीम डाल ले तो और ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये चीनी है, ये दूध है और थोड़ी सी आइस है। ये 2 महीने ये फ्रीज हो सकती है और जब दिल करे आपका तो आप इसको मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। तो खैर मैं तो अभी बना के आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। तो फ्रीज़ अगर करनी होगी, अच्छी मिलेगी तो फिर फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी, वरना चलिए बनाने तो लगे हैं ना। हाथ तो लगाने नहीं देते हैं फल वाले, वो भी सच्चे हैं कि एक तो महंगा इतना है, ऊपर से अगर वो एक ही कस्टमर चुन के ले जाएगा तो बाकी को वो क्या देंगे, इसलिए वो अच्छी के साथ थोड़े से ख़राब चीज़ें भी डाल देते हैं। अब मैं डालती हूँ इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाढ़ा दूध है, ऊपर दूध है, इसका अच्छा बनेगा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये बहुत है। और थोड़ी सी आइस डालती हूँ, मौसम अभी इतना नहीं है ना ठंडा पीने वाला, तो चलो थोड़ा सा दूध तो वैसे भी ठंडा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी बस ये देखिए 2 ग्लास जो स्ट्रॉबेरी शेक के तैयार हो गए हैं। इसमें अगर आपने आइस डालनी है और तो बेशक आप और डाल दें आइस, वो इसमें है ना, ये और आप आइस डाल लें अगर इसको ज़्यादा आप ठंडा पसंद करते हैं। चले थोड़ी डाल दी है मैंने, देख ले 2 ग्लास तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये एक बिल्कुल ईजी आसान और छोटे लिहाज से। तो अब आगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैंगो आ रहे हैं, उसका मिल्क शेक बनेगा और बनाना वगैरह का तो बना चुकी, लेकिन अब मैंगो आया है, अब उसका सीज़न होगा, वो तो तकरीबन
बहुत टाइम मैंगो रहते हैं, ये चंद दिनों की मेहमान थी तो मैंने कहा चले ये भी आपके सामने शेयर कर दें। तो माशाल्लाह ये मैंने मिल्क शेक के लिए 2 गिलास मैंने यानी कि ख़रीदे हैं, मैंने कहा मिल्क शेक के लिए स्पेशली ये 2 गिलास मैंने लिए हैं। तो मेरा ख्याल आपको गिलास भी पसंद आए होंगे, हैंडल वाले गिलास हैं और ये मिल्क शेक अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा टेस्ट लूँ, ठंडा ठंडा बहुत ज़बरदस्त है। चले आए आप भी शेयर करें हमारे साथ पिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप भी बनाएं। और ये तो बहुत वैसे जिसको स्ट्रॉबेरी, मुझे वैसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी खटास होती है, तो इस तरह शेक जो है ना वो पिया जाता है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ को आप ज़रूर लाइक करें, पसंद करें और आप भी ख़ुद भी बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं। बहुत ताकतवर होती है, बहुत हेल्दी होती है ये स्ट्रॉबेरी दूध में बनाने से। तो इससे रंग भी इससे गोरा होता है। तो आप भी इसको ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ़ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।